हर्ब्स कुक विद डिंपल पटेल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ डिंपल। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो ये है मेरी आज की न्यू रेसिपी, वेरी टेस्टी वेरी डिलीशियस ग्रीन चटनी। अगर आप भी मेरी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी भी चटनी वेरी टेस्टी और डिलीशियस बनके रेडी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे मैंने एक कटोरी हरा धनिया ले लिया है। यहाँ पे मैंने आधा नींबू का रस लिया है। मैंने यहाँ पे पुदीने का पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास फ्रेश पुदीनो है तो आप मुट्ठी भर वो डाल दें। 2 चम्मच चने की दाल लिए है। 4 से 5 टुकड़े अदरक के लिए हैं। शुगर लिए 1.5 टीस्पून। 2 मैंने हरी मिर्च टुकड़ों में काट लिए और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ लिए। यहाँ पे मैंने ब्लैक साल्ट लिया है 1/2 टीस्पून और मैंने यहाँ टेस्ट अनुसार नमक लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जार ले लिया है, उसमें मैंने चने की दाल डाल दी है, अदरक के टुकड़े डाल दिए, हरी मिर्ची और लहसुन डाल दिया है। तो चलिए अब हम इसे फाइन पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए फाइन पेस्ट बन के रेडी है। यहाँ पे मैंने धनिया वॉश करके डंडियों के साथ ही यूज़ किया है। आप भी डंडियों के साथ ही यूज़ करें, इससे चटनी का स्वाद बढ़ जाएगा। अब मैं पुदीने का पाउडर डाल दूंगी। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप मुट्ठी भर वो डाल दें। यहाँ पे ब्लैक साल्ट ले लिया है, ये ऑप्शनल है लेकिन आप डालेंगे तो टेस्ट और बढ़ जाएगा। रेगुलर नमक डाल दिया है टेस्ट अनुसार। शक्कर ले लिया है, शक्कर आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और लास्ट में हम नींबू का रस डाल देंगे। मैंने यहाँ पे ठंडा पानी यूज़ किया है। आप चाहें तो ठंडा पानी या आइस क्यूब यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी चटनी का कलर और प्यारा और अट्रैक्टिव लगेगा। अब हमारी चटनी पीस के रेडी हो चुकी है, तो चलिए इसे बाउल में निकाल लेते हैं और गार्निश कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी प्यारी अट्रैक्टिव और वेरी टेस्टी ग्रीन चटनी तैयार हो चुकी है। ये ग्रीन चटनी आप किसी भी डिश के साथ ले सकते हैं, जिससे आपकी डिश का स्वाद और बढ़ जाएगा। अगर आपको मेरी टेस्टी और झटपट बनने वाली ग्रीन चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम स्टे सेफ। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय।